जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का एक और शानदार भर्ती में स्वागत है। गाइस, बात करने वाला हूँ यह वैकेंसी किसके तरफ से निकाली गई है। तो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से निकाली गई है। जी हाँ, बात करने वाला हूँ इस वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी साथियों को बता दूँ, यह वैकेंसी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। जी हाँ, किसकी वैकेंसी है? स्टाफ नर्स की। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इन्वाइटेड फॉर द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022-23 द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स लेवल 07 का की जो भर्ती है। ओके, पे मैट्रिक्स यानी आप लोगों का वेतन कितना रहने वाला है, सैलरी इसमें तो देखिए 44,900 रुपये स्टार्ट होगी। शुरू में पेमेंट मिलेगी, देन उसके बाद आप लोगों का 1,42,400 आप लोगों की लास्ट सैलरी बनने वाली है। मतलब बहुत ही शानदार वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। ओके, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल की तरफ से स्टाफ नर्स की पोस्ट है। कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? तो जैसा कि स्टाफ नर्स की पोस्ट है, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल। मतलब आप लोगों को सीधे पता चल गया होगा कि यह जो वैकेंसी है इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वह भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अदर यानी जिनके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, मतलब सभी भारतीय कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का देखिए, सेकंड आप लोगों का डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी GNM वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, GNM वाले भी कर सकते हैं। ओके, बीएससी नर्सिंग और GNM दोनों वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप लोगों की क्या रहने वाली, आयु सीमा क्या रहने वाली? तो 18 से लेके 40 साल वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देन गाइस, ये जो टोटल वैकेंसी है इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 220 पोस्ट है। कितनी? 220 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 88, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 22, एससी कैंडिडेट की 46 और एसटी की 4 पोस्ट है। आगे और देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे क्या लगने वाली है। जनरल कैंडिडेट को टोटल फीस आप लोगों की 2,360 रुपये लगने वाली है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे 2,360 लगने वाली है। एससी एसटी कैंडिडेट को लगेगी 1,416 रुपये यहाँ पे पोर्टल शुल्क लगेगा। जी हाँ, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन कहाँ से फिल करोगे ये भी जानकारी मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होगी, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, फिलिंग अप ऑफ रिक्वायर्ड डिटेल्स भी मांगेगा, पर्सनल आप लोगों की अपलोडिंग स्कैंड फोटो सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट, पेमेंट ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद लास्ट आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके, अब देखिए जनरल कंडीशन, देखिए यहाँ पे आप लोगों का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। कहाँ से अप्लाई करना है? तो देखिए www.upums.ac.in से, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोगों को दे दूंगा वीडियो के नीचे, वहाँ से जाके भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और देखिए ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हुआ था, 20 जनवरी 2023 से हुआ था। लास्ट डेट आप लोगों की 9 फरवरी है, तो 9 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही शानदार वैकेंसी है और बहुत ही शानदार वैकेंसी है। ओके, चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि एज रिलैक्सेशन की बात है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर छूट नहीं दिया है। ठीक है, 18 से लेकर 40 साल तक वाले कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। अब देखते हैं आगे, तो गाइस यहाँ पे आगे आप लोगों का और क्या डिटेल्स जानना जरूरी हो जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न, ओके, यानी आप लोगों का सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्कीम होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम आप लोगों का, ओके, स्कीम ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट सेल विद 3 आवर यानी 180 मिनट आप लोगों को मिलेगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे, 600 मार्क्स आप लोगों का होगा, विथ 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन यानी 4 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन पे यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। 170 जो क्वेश्चन होंगे वो नर्सिंग के सब्जेक्ट के होंगे और 30 आप लोगों के जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के होंगे, रीजनिंग और मैथ्स के 30 नंबर। ओके, और 170 नंबर यहाँ पे आपका नर्सिंग सब्जेक्ट से होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते गए, तो देखिए यहाँ पे आगे आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला। तो देखिए ये सिलेबस डिटेल में यहाँ पे देखिए, जनरल इंग्लिश, ओके, जनरल करंट अफेयर,
रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ओके, ये सारा का सारा 30 नंबर का होगा। फिर आगे आप लोगों का देखिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये होगा अलग से आप लोगों का 15 नंबर का 45, ओके, क्वेश्चन, यानी यहाँ पे आप लोगों का जो है मार्क्स इस पर रहेगा। फिर आता है फिजिकोलॉजी और सोशोलॉजी है, ओके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है। वैसे स्टाफ नर्स का सिलेबस आप लोगों के लिए बना दिया गया है, क्या क्या पूछता है आप हमारा वीडियो जाके देख सकते हो। न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी टॉपिक है आप लोगों का, 14 टॉपिक है टोटल, ओके। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में पूछेगा, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग के बारे में पूछेगा, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टेटिक्स के बारे में, प्रोफेशनल ट्रेंड्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, ओके, ये सारा का सारा आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है। तो गाइस ये ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों की बता दिया है कहाँ से फॉर्म करना है, वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से भी जाके फॉर्म भर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट वार को भी ज्वाइन कर दीजिएगा, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर की जाती है। तो फिर मिलेंगे गाइस इसी प्रकार की एक शानदार भर्ती और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद।